साधक का जो मन है वो आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना गया। इस चक्र में स्थित मन वाला जो साधक है माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्तों को माँ सहज भाव से माँ के दर्शन भी प्राप्त हो सकते हैं। तो नवरात्रि का जो छठा दिन है माँ कात्यायनी की उपासना का दिन होता है। इनके पूजन से शक्ति का संचार होता है, दुश्मनों का संहार होता है, कोर्ट कचहरी के कामों से मुक्ति मिलती है। माँ जगदम्बे की इस भक्ति पाने के लिए इसे आज के दिन कंठस्थ करके यदि आप इसका जाप करें तो निश्चित तौर पर आज आपका दिन जो है बहुत शुभ रहेगा, आगे का भविष्य भी बहुत शुभ हो सकता है। बहुत सरल मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पुनः एक बार उच्चारण सुनिए, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का आज कम से कम 108 बार या हो सके तो पूरे दिन भर इस मंत्र का जाप करें। आने वाला समय